तो दोस्तों ये मशीन जो आप देख रहे हैं 11,800 रुपये में आप अपने घर से सेटअप लगा सकते हैं और महीने का आप 70 से 80 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर बात करें इसमें डिमांड कितनी, आप इसी छोटी सी मशीन से आप 300 से 400 बिजनेस कर सकते हैं। अब करना कैसे है, क्योंकि इन बिजनेसों की डिमांड हमेशा 365 दिन रहती है, लेकिन जो छोटा सा सेटअप है ना, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना, कोई बिजली का लाइसेंस नहीं लेना, क्योंकि बहुत लोगों की कमेंट आती है कि भैया अगर हम मशीन ले रहे हैं, हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो हम उसके लिए कोई लाइसेंस तो लेना नहीं पड़ेगा। तो इसकी लाइसेंस की लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल फेस पे चलने वाली मशीन है। और जो महिलाएं चाहते हैं अपने घर से व्यापार करना, जो भाई लोग चाहते हैं अपने छोटी सी टेबल से व्यापार करना, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पर 11,800 रुपए इन्वेस्ट कीजिए और साल भर चलने वाला बिजनेस कीजिए। अब इस बिजनेस की डिमांड चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो, होली, दिवाली, राखी, ईद, हर त्योहार पर डिमांड में रहने वाला बिजनेस है। अब मैं इसका थोड़ा सेटअप दिखाता हूँ किस तरीके का सेटअप रहेगा जब भी आप इस मशीन परचेज करने के लिए आते हैं, क्योंकि इस बॉक्स की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। ऐसा इस बॉक्स में क्या है, तो इस बॉक्स को मैं खोल कर दिखाता हूँ। इसमें आपको एक छोटा सा देखिए, ये आपको डिवाइस मिलेगा, डिवाइस किस तरीके से काम करता है। आप इसी डिवाइस से बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और अपना खुद का ब्रांड बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। आपको चलता फिरता कंप्यूटर लग रहा होगा, बट ये कंप्यूटर नहीं है। आपको इसे करना कैसे काम, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी देखना, पूरी क्यों देखना, क्योंकि आप वीडियो स्किप कर देते हैं, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, वीडियो को पूरी देखना। शुरू से लेकर आखिर तक की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से प्रॉफिट लेना और किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, वो सारा जानने के लिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कहाँ से देख रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अक्सर मेरे व्यूवर्स की कमेंट आती है कि हमें साल भर चलने वाला बिजनेस चाहिए जिनसे हम दिन का कम से कम 2 से 2,500 रुपये कमा सकते। तो एक ऐसे ही बिजनेस की तलाश में आज मैं दिल्ली के छोटी छोटी गलियों में से होकर चांदनी चौक में, आपको पता है कितनी भीड़ होती है, और आज ऐसी ही मशीन तलाश की है जो महिलाएं चाहती थी, जो स्टूडेंट चाहते थे और जो हमारे भाई लोग अक्सर रेगुलर कमेंट करते थे, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है, कम पूंजी में ज्यादा प्रॉफिट किस तरीके से लें, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि डेली प्रिंट लिंकर्स जानी जाती है लोगों को रोजगार देने के लिए, और आज की वीडियो में हमारे साथ में जुड़े हुए दोबारा से पर्सन तर कैसे हो? ठीक है सर जी। जैसे मैंने रिवर्स को बताया था, होली, दिवाली, राखी, ईद पर ये बिजनेस काफी ट्रेंड में रहता है, तो क्या कहना चाहोगे इस बिजनेस के बारे में? सर इसमें ऐसा है, होली, दिवाली, ईद, राखी, ये तो जो हो गए सीजनल बिजनेस हो गए। सीजनल बिजनेस के साथ आप एक ऐसा बिजनेस भी कर सकते हो जो आपका 365 दिन चलेगा। 365 दिन चलेगा, हाँ जी। लाइव चाहिए आज की वीडियो में, लाइव की आज की वीडियो में हम पूरा आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे जो आपकी हल्की सी 50 से 100 रुपए किलो वाली जो चीज है, वो कैसे हम आपको 500 से 600 रुपए किलो में किलो वाली चीज मार्केट में 800 रुपए की बेच देंगे। हाँ जी, 500 से 600, 700, 800 रुपए किलो तक की भी बिकती है वो। अच्छा। वो आज हम इससे लाइव एग्जांपल डेमो करके देखेंगे। और हमारे व्यूवर्स के लिए हमारा हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहता है, अगर हम वीडियोस बनाते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, कुछ मशीनें होती है कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलती है, तो कैश ऑन डिलीवरी प्लस ऑफर क्या रहेगा हमारे चैनल के रेफरेंस से। हम आपके व्यूअर जो भी आएंगे और अगर वो कहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, तो वो वहाँ पे अपना कुछ कंप्लीट एड्रेस और पिन कोड दे, हम उनको टोटल बना के देंगे, सिर्फ कुछ एडवांस टोकन अमाउंट उन्होंने जमा कराना, बाकी का सारा कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। मशीन की वारंटी नहीं दोगे? मशीन की वारंटी है, हर एक मशीन की 1 साल की वारंटी है। वारंटी भी चाहिए देखो मेरे को। ठीक है। अब मैं ना कुछ लाइव दिखाने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ लोगों को मॉनिटर करने में और थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है, तो इसे सीखने में कितना टाइम लगेगा और कितनी देर में? बहुत आसान सा काम है, अभी अभी हम आपको 5 मिनट में 50 से 100 रुपए किलो वाली चीज कैसे 600 से 700 रुपए किलो की वो बन जाती है। अच्छा। वो हम बताएंगे अभी आपको। बिल्कुल। तो देखिए डेली प्रिंट लिंकर्स जो जाना चाहता है ना लोगों को मशीनें प्रोवाइड करने में, आफ्टर सर्विसेज क्या कह देते हैं, और प्लस यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी आपको मिलती है। और अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ किस तरीके से प्रोडक्ट तैयार होता है और क्या क्या आइटम्स इसमें आपको मिल जाएंगे। तो सर सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे फिर हम? आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसके ऊपर पूरा भारत चलता है, मतलब इसके बिना ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में चाहिए और बिना इसके लोगों का दिन पूरा नहीं होता। आज हम बात करने जा रहे हैं कि चाय पत्ती कैसे हम पैक करेंगे। ये तो सिर्फ हम चाय पत्ती दिखा रहे हैं, बाकी हम कितने प्रोडक्ट इसे पैक बाकी तो इसमें ऐसे है कि जैसे अगर होली का काम है तो वो होली में रंग पैक कर सकते हैं इसमें, और दिवाली का काम है तो वो दिए पैक कर सकते हैं इसमें, और बाकी ईद वगैरह में वो काम हो गया, मतलब इसमें ऑलमोस्ट 300 से 400 आइटम में पैक कर सकते हैं। और उसके बाद भी वो कोई अपना ये जैसे चाय पत्ती का काम करना है, किसी को कोई ड्राई फ्रूट का काम करना है, कोई भी ऐसा काम
करना है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, पैकिंग का एक ऐसा फायदा होता है कि कई लोग कहते हैं कि हमें हाइजीनिक प्रोडक्ट चाहिए, हमें लूज माल या किसी को कोई चूहा लगा हुआ सामान नहीं चाहिए, या हमें हाइजीनिक चीज चाहिए, तो उस चीज से भी बढ़िया चीज रहती है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग आप करो अपने इसके ऊपर। यहाँ पे अभी हम अपनी MRP करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटेड बाय भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, 50 से 100 रुपए किलो वाली जो लूज ये सामान है, उसके बाद हम सीधा पैकिंग करके दिखाएंगे तो वो सीधा आपकी 500 से 600 रुपए किलो बनती है। तो आइए देखते हैं जी। सबसे पहले ये हमारी ये डिजिटल MRP मशीन है, कोरियन टेक्नोलॉजी हैंडल इंकजेट प्रिंटर है। इस पे हम ये यहाँ पे हमने मैटर सेट करा हुआ जी। सबसे पहले हमने यहाँ पे MRP सेट कर लिया, ये हमने MRP, उसके बाद पैक्ड ऑन बैच नंबर MRP सब प्रिंट कर लिया। इसमें आप जो भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे ये हमने मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड बाय में अपना दिल्ली प्रिंट लिंक का कंपनी का नाम और एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया। ऐसे आप जो भी इसमें सेट करना चाहो, इसमें साइज छोटा करना, बड़ा करना, डॉटेड करना, क्लियर करना, जो आप करना चाहो वो आप इसमें कर सकते हो। छोटा चलता फिरता पुर्जा कंप्यूटर है ये। अच्छा, जो भी आप प्रोसेस करेंगे हम? इसके बाद हम ये जो हमारी यहाँ पे चाय पत्ती है जी, ये हम चाय पत्ती इसमें, इसको ऑटोमेटिक वेइंग एंड फिलिंग मशीन भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए सर? इसमें सर ये हमने सेट करा हुआ, जितना भी आपने इसमें माल भरना चाहो तो वो आप इसमें माल भर के सेट कर सकते हो कि आपने इसमें कितना माल भरना। अच्छा, हमने ये इसमें यहाँ पे चाय पत्ती का माल डाल दिया इसमें जी जी। उसके बाद हमने यहाँ पे सेट करा हुआ 100 ग्राम अभी सपोर्ट, हमने इसके अंदर यहाँ पे भरा। अच्छा, ये हमने यहाँ पे मशीन को स्टार्ट करा, ये जैसे कि आप देख रहे हो ये यहाँ पे अब अपनी वो बढ़ती रहेगी जितना भी उसने वे करना है इसके अंदर। अच्छा, अब हमने इसमें जैसे 100 ग्राम यहाँ पे सेट करा हुआ तो ये 100 ग्राम तक यहाँ पे आपकी पहुँचेगी, उसके बाद यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, अब ये हमने जैसे कि है ये आपका यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये हमने यहाँ पे सेंसर लगे हुए जी, ऑटोमेटिकली आपने ये स्टार्ट का यहाँ पे बटन दबाया जी। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ये इसके अंदर इसने ये 100 ग्राम यहाँ पे माल भर दिया। अच्छा, हाँ जी ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे सर हम? इसके बाद हम इतना सिंपल था, इसके बाद ये हमारी जो ये है जी, ये हमारी पैकिंग मशीन है। अच्छा, इससे पहले हमने जो स्केल मशीन रखी हुई है ये कितना है उसके जानने के लिए? ये सर इसके लिए है कि जैसे अगर किसी का स्टार्टिंग में बजट नहीं बैठता इसके ऑटोमेटिक वेइंग एंड फिलिंग मशीन का, तो लोग ये नॉर्मल कांटा आता है, ये नॉर्मल कांटे के ऊपर भी वजन करके स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये कांटा भी हमारे पास में मिल जाएगा। हाँ, पैकिंग किस तरीके से करेंगे? उसके बाद सिर्फ इतना था ये काम है, हमने एक ये इसको पाउच को जिसमें हमने भरा है और इसके अंदर ये डाल देना, सिर्फ इतना था ये काम। और ये हो गया, ये हमारी बिल्कुल कंपनी की जैसे बड़ी ब्रांडिंग आती है, ये आपकी बिल्कुल बफ पैकिंग। और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अब ये 250 ग्राम की जो पैकिंग है ये 150 से 200 रुपए की बिकती है, और ये हमने 50 से 100 रुपए की वाली किलो वाली चीज को आराम से 600 से 700 रुपए की वाली किलो को बना दिया। आपने देखा जैसे कि 2 मिनट का काम था, बस खाली हमने माल भरा, MRP लगाई और पूरा पैक कर दिया। अच्छा, इसके बाद कोई और प्रोसेस होता है इस तरीके से? नहीं, बस ये आपका रेडी प्रोडक्ट है। अब आप इसको जैसे मर्जी इसके ऊपर जो भी MRP लगा के बेचना चाहो तो उतना महंगा करके आप इसको बेच सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें सर जैसे हमने कुछ पैकेट यहाँ पर रखे हुए हैं तो ये मतलब कितने क्या क्या है? काजू पैक कर सर, अभी तो हमने जैसे ये चाय पत्ती करा, चाय पत्ती का बहुत ज्यादा काम चलता है। उसके बाद कई लोगों को चाय पत्ती का काम करने का मन नहीं भी है, तो उसमें ये देखिए ये हमारे यहाँ पे काजू के पाउचेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नमकीन के पाउचेस हो गए, अगर कोई नमकीन का काम करना चाह रहा है, ये आटा बेसन सूजी नमक ये बहुत ज्यादा चीजें चलती है, ये लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ कॉमन पाउचेस भी होते हैं हमारे पास, कभी कोई ऐसे मसाले हैं या कुछ है कि जो नहीं भी करना चाहे तो उसके बाद भी वो कर सकते हैं। ये जैसे हमारा कॉमन पाउच है, इसमें हमारे वो जो हैंडी प्रिंटर है यहाँ पे आप अपने उसका प्रोडक्ट का नाम भी इसके ऊपर मेंशन कर सकते हो, पीछे यहाँ पे MRP मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब करके अपना माल वगैरह भर के आप जो भी प्रोडक्ट अपना करना चाहो कर भी सकते हो। और प्लस पॉइंट ये है यहाँ इस तरीके का देखिए आप, यहाँ पे ये भी इस तरीके की पॉलिथीन मिलेगी, इस पे अपना ब्रांड बना सकते हैं। हाँ जी, ये प्लेन पाउच का इसका ऐसा कमाल है कि कई लोग जैसे स्टार्टिंग में होते हैं कि उनको कम क्वांटिटी में पाउचेस चाहिए तो उनको प्रिंटिंग अपने हिसाब से नहीं करा सकते, तो यहाँ पे प्लेन पाउच आपने लिया, यहाँ पे ऊपर अपनी आइटम का नाम लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे MRP वगैरह छाप के अपना माल भर के और इसको पैक करके इससे क्या है आपकी वो लोकल मार्केट भी कैप्चर कर सकते हैं, और कोई अगर ब्रांड बनाने के फोकस करना चाहे तो ब्रांड भी इसमें बना सकते। अच्छा, तो दोस्तों देखो अभी हमने ना इस मशीन में आपको जो चाय पैक करके दिखाई थी, चाय क्यों पैक करके दिखाई थी, अगर आप चाय चाय पैक कर देना, क्योंकि चाय पैक तो
प्रॉफिट अच्छा मिलता है आपको और इसकी डिमांड हर जगह होती है। बाकी अगर बात करें इस तरीके के काजू पैक करने हो आपको, ठीक है, इस तरीके के देखिए बेसन पैक करना हो, आटा पैक करना हो, तो इस मशीन से बहुत सारे बिजनेस हम कर सकते हैं। अगर बात करें पन्नियाँ ढूंढने के कहाँ लोग, आपको सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है इन्हें ढूंढने के कहाँ, और यहाँ पर किलो के हिसाब से आप जरूर क्या प्रोसेस। सर ये सारी की सारी थैलियाँ हमारे पास भी अवेलेबल होती हैं, और कई लोग बंदे सोचे कि इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, पैकिंग में मेरा कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं लगेगा, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो किलो के भाव से मिलती है। लगभग 300-350 रुपये किलो के हिसाब से पाउचेस मिलते हैं यहाँ पे, और थोक के भाव में लगभग 1-1.5 रुपए की आपके एक पाउच की कॉस्ट आती है बस। अच्छा। और आप 1-1.5 रुपए लगा के 50-100 रुपए किलो वाली चीज को कैसे 600-700 रुपए किलो आप बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए आपको यहाँ पर पॉलिथीन में मिलाएंगे, आपको इस तरीके की प्लान चाहिए तो प्लान भी मिलाएंगे, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको प्लान और आपको इस तरीके से चाहिए जो आप लोकल मार्केट में सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसे चलाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, सारा कुछ आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि इस पर टेम्परेचर सेट करना होता है, एक घर की बिजली पर चलने वाली है। यहाँ पर आप बात करें तो 11,800 का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें 11,800 में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो हमारी जो पैकिंग मशीन है जो सबसे ज़्यादा मेन एलिमेंट है ये 11,800 की है। अच्छा। उसके बाद ये जो हमारी ऑटोमेटिक वेइंग एंड फिलिंग मशीन जो है ये 19,800 की है। अच्छा। 19,800 की, और अगर लोगों का बजट इतना नहीं है तो ये एक काटा आता है जी। ये काटा आप इसमें, ये 1,250 रुपए का काटा है, अगर वो लोग नहीं ये परचेज कर सकते तो नॉर्मल ये काटे के ऊपर भी वजन करके वो देख सकते हैं कि कितना माल भरना है। अच्छा। उसके बाद बात करें हम ये अपनी MRP मशीन की, तो इसमें ये कोरियन टेक्नोलॉजी का हमारा प्रिंटर है, ये 24,000 का है। इसमें अगर हल्की चाइनीज क्वालिटी चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है, वो 14,000 से शुरू होती है। अच्छा। और अगर इसका भी बजट नहीं है तो ये एक मैनुअल MRP मशीन आती है, छोटी सी मशीन है ये, इसमें भी नॉर्मल MRP मशीन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये 2,000 रुपए से शुरू हो जाती है। 2,000 रुपए से। हाँ देखिए, अगर जिनके पास बजट कम है वो इस तरीके का लेना चाहते हैं मशीन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पर कुछ इंक वगैरह लगते हैं तो इस तरीके से ये भी प्रिंट हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, ये पूरा हम सेट दे रहे हैं। तो अगर बात करें टोटल का, अगर यहाँ पर टोटल की बात करें तो इस तरीके की देखिए ये छोटी, ये जो है ये वो आपकी चाइनीज वाली मशीन है जो 14,000 से शुरू होती है, और अगर कोरियन टेक्नोलॉजी की चाहिए तो ये 24,000 रुपए की है। अच्छा। तो देखिए आपको सारे अलग अलग पार्ट चाहिए, मतलब अलग अलग मशीनें चाहिए, और सारी मशीनें आपको वारंटी में मिलेंगी। 1 ईयर की वारंटी है हर मशीन में, और ये जो हमारी कोरियन टेक्नोलॉजी जो है इसमें 3 साल की वारंटी आती है। अच्छा। और इसमें ऐसा नहीं है, गांव देहात में सबसे ज्यादा जो है अचार पापड़ का, लोग लेडीज का कहते हैं कि अचार और पापड़ हमें पैक करना है, तो वो एक ऐसी आइटम है कि वो अपने घर से भी चालू कर सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा बड़े कमरे की या ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, बस छोटी सी टेबल चाहिए, उनको अपना सामान चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमें यार आपके अचार और पापड़ बहुत पसंद है, तो उसमें वो कहते हैं कि आप पैकिंग करके आगे बेचो तो वो उसमें अपना फ्यूचर भी दे। मार्केटिंग करने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अपने आस पड़ोस में ही, आपके कस्बे, आपके शहर में हर जगह इसकी मार्केटिंग होती है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी मिलता है, आप किसी से कच्चा माल परचेज, कोई आपसे पैकिंग करवाना चाहे तो आप दूसरे की पैकिंग करके भी दे सकते हैं। तो आप इसमें दो कंडीशन से काम कर सकते हैं, ऑर्डर लेकर भी और अपना खुद का ब्रांड मार्केट में उतार सकते हैं। इसमें आपने गुड़ पैक करना है या कोई भी ऐसे आइटम है, आटा, मैदा, सूजी, बेसन, जो भी सबसे ज्यादा चलते हैं, या ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो भी आप ये सारी चीजें पैक कर सकते हो। और इसके अंदर एक हमारा वर्टिकल मॉडल आता है, जो खड़ा जो मॉडल होता है, उसके अंदर अगर आपको जैसे कोई भी लिक्विड आइटम, कोई इंजन ऑयल है या कोई लिक्विड आइटम पैक करनी है, तो उसमें आपका ऐसे पाउच जाके लिक्विड आइटम भी पैक हो सकती है इसके अंदर। रिफाइंड वगैरह, रिफाइंड कुछ भी करना है, ऑयल पैकिंग करना है, कोई भी ऐसी चीजों में जाना है, किसी को पानी का काम करना है, किसी को दूध का काम करना होता है, कोई भी लिक्विड आइटम पैक करनी है, तो वर्टिकल भी होता है जो खड़े में जो पैकिंग मशीन होती है। और देखो और लोगों की डिमांड भी यही होती है, क्योंकि आपको पता कि अगर खुला रहेगा उसमें छुआ कूद जाए, लोगों को ना विश्वास नहीं होता कि आपका खुला बेच रहे हो, तो खुले में इतना वो अवॉइड करते हैं। बट अगर आपका एक ब्रांड होगा मार्केट में, अगर वो सील्ड पैक होगा, सील्ड पैक में एक तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी और सील्ड पैक अच्छा बिकेगा, क्योंकि जो क्लाइंट का अट्रैक्शन है ना वो ड्राई फ्रूट, अगर ड्राई फ्रूट भी पैक होगा तो खुले, अगर खुला मैं भी लेने जाऊंगा तो मैं उस पर अप्रोच नहीं करूंगा, और हमें वही उससे थोड़ा सा 2-4 रुपये महंगा भी मिल रहा है तब भी हम उसे अप्रोच करेंगे कि हमें पैक वाला चाहिए, क्योंकि पैकिंग पर ना लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए इस बिजनेस का ट्रेंड 365 दिन रहेगा। अब बात करेंगे मशीन कैश ऑन डिलीवरी का क्या प्रोसेस है। इसमें कैश ऑन डिलीवरी भी वही है कि जैसे अगर कोई अपना वो कोई छोटा सा एडवांस अमाउंट टोकन करा के भी वहाँ से कैश ऑन डिलीवरी पे भी मंगवा सकता है, अगर ऑफिस आके लेना चाहे तो वो ऑफिस आके भी ले सकते हैं। चावड़ी बाजार दिल्ली में हमारा ऑफिस है। बिल्कुल। और जो डेली प्रिंटेड लिंकर्स जो पड़ता है वो चावड़ी बाजार में पड़ता है, और थोड़ा सा टाइमिंग मेंशन कर दीजिए कि टाइमिंग क्या रहेगा हमारा। टाइमिंग हमारे सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हम यहाँ पे ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, और मंडे टू सैटरडे अवेलेबल हैं हम यहाँ पे। तो सर जैसे कि लोग सोचते हैं कि मुझे अगर पैकिंग का काम करना है तो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन लेनी होगी,
लाख से दो लाख लगाने होंगे। और जो किराना स्टोर वाले उनके लिए क्या कहना चाहोगे मशीन के लिए? जो सर किराना स्टोर वाले क्या है कि जैसे किराने वाले बंदे क्या है लूज में माल बेचते हैं, तो लूज के माल में कई लोगों को शंका रहती है कि यार जितना मैंने माल लिया है कहीं उसके बट्टा के हिसाब से वो हेरा फेरी ना कर रहा हो, और जितना मैंने माल लेना क्या वो उतना सही है या नहीं है, उचित है या नहीं है, मेरी फैमिली वालों को मैंने अच्छा माल खिलाना तो उसमें कोई दिक्कत ना है, कहीं चूहे वगैरह घूम के किसी के हाथ में टच हुए, तो हाइजीनिक चीज होनी चाहिए। अच्छा, ये जो लोग सोचते हैं कि हमें 1.5 से 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे पैकिंग, सर ये सबसे बड़ा मिथ है। कई लोग सबसे पहले सोचते हैं कि यार पैकिंग करने में मेरे बहुत ज्यादा पैसे चल जाएंगे, मुझे अपना ब्रांड खड़ा करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाखों रुपए की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मात्र 1100-1800 में। और ये चलता फिरता कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पूरा सा अच्छे से बताएं। सर ये एक ऐसी डिजिटल मशीन है हमारी, अलग ही लगा कुछ। कई लोग सोचते हैं पहले पुराने जमाने में ये चला करती थी, इसमें लोग क्या करते थे पहले एक एक लेटर लगा के ठप्पे मारने पड़ते थे नॉर्मल शाही लगा के। अब ये डिजिटल प्रिंटर आया है, जो आप इसके अंदर प्रिंट कर दोगे वो प्रिंट इसके अंदर एज इट इज आप अपना नाम डालना चाहो, MRP डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग डालनी है। यहाँ पर हमने नाम मेंशन कर रखा है, इस तरीके से देखिए प्रिंटिंग है और ये आवाज भी करता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर रेट फिक्स कर सकते हैं, अपने ब्रांडिंग का नाम लिख सकते हैं और अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप मेंशन कर देते हो, तो मतलब ये इस तरीके से काम करता है। और इसमें लिक्विड इंक वगैरह की किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बस खाली नॉर्मल HP की कार्टेज लगेगी इसके अंदर और वो आप प्रिंटिंग कर सकते हो जो आप करना चाहो। इसमें आप अपनी कंपनी का लोगो भी प्रिंट करना है, QR कोड प्रिंट करना है, बारकोड प्रिंट करना है, साइज छोटा करना है, सब कुछ A to Z सारी चीजें आप कर सकते हो इसके अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं इनके पास में आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं इनके साथ में। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं 11,800 रुपये लेकर आइए और ये मशीन लेकर जाइए। अगर आपके पास में अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो सारा पूरा सेटअप खरीदिए और अपनी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए और छोटे से ही कमरे से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ये सदाबहार चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर एक बिजनेस नहीं, इससे आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की पैकिंग कर सकते हैं और आप अपने घर से ही यह व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर कोई हमारे चैनल के दर्शन करता है तो आप कभी क्या डिस्काउंट दे रहे हो, क्या ऑफर दे रहे हो? आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपका चैनल और आपकी वीडियो देख के आएंगे, तो उसके लिए ये होगा कि हम उनके लिए स्पेशल ऑफर ये है, अगर वो 10 ग्रुप में शेयर करते हैं ये सेम वीडियो और हमें दिखाते हैं तो हम उनको 1 kg पाउच फ्री में देंगे। 1 kg पाउच फ्री देंगे मशीन के। आप आइए, स्क्रीनशॉट लेके आइए और इन्हें स्क्रीनशॉट दिखाइए। सर अगर बात करें इससे, जैसा आपने बताया था कि सच में अगर कोई अपना खुद का नाम लिखना चाहे, एड्रेस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? हाँ हाँ, इतना आसान सा काम है, मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल का ही नेम प्रिंट करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखिए हम यहाँ पे फाइल में गए, ऐड करा, यहाँ पे टेक्स्ट में गए जी, देसी व्लॉग्स। हाँ देसी व्लॉग्स, ये जो आपका चैनल का नाम है VLOGS, ये हमने आपका यहाँ पे देसी व्लॉग्स करा। साइज अगर आपको बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, वो भी आप सब कुछ कर सकते हो, ये हमने बड़ा साइज कर दिया। अच्छा, इसके बाद कई लोगों को क्लियर की जगह डॉटेड प्रिंटिंग चाहिए तो डॉटेड में भी नॉन बोल्ड सब कुछ कर सकते हो आप। उसके बाद ये हमने सेट कर दिया और सिर्फ इतना सा काम, एक ये बटन दबाया हमने और ये देखिए, वाव ये देखिए, सिर्फ मात्र कुछ सेकंड में हमने आपका अपना नाम डिजाइन करके प्रिंट भी कर दिया हमने। और जैसा फॉन्ट स्टाइल चाहो वैसा कर सकते हो, साइज छोटा करना, बड़ा करना, सब कुछ कर सकते हो बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लाइव दिखाया है तो आप अपना नाम भी यहाँ पर ब्रांड पर छपवा सकते हैं और इनसे आप मिलने के लिए आ सकते हैं। जो इनकी दिल्ली में लोकेशन है, प्लीज कॉल करके आइएगा। और ये मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। जैसे हमने इसमें पाउच पैक करके दिखाया है, कुछ लोगों की डिमांड होती है, जैसे आजकल कंपनियां करें छोटे छोटे ये डब्बे होते हैं, इनमें पैकिंग करती है। हाँ जी, तो ये भी हमारे पास मशीन मिल जाएगी? हाँ जी, इसकी भी हमारे पास सीलिंग मशीन होती है। आजकल कंपनी ने ऐसा क्या कमाल कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये आपने देखी, ये ऐसे आज की डेट में ना, कभी कोई कैसे किसी को लस्सी पैक करनी है, कोई भी लिक्विड आइटम है या कोई मिल्क आइटम है, या आजकल जो भी आपने कॉफीज वगैरह देखी है, कॉफीज का बहुत ज्यादा काम है, ऐसे फॉइल सीलिंग कंपनी की होके आती है। तो इसके लिए भी एक हमारे पास यहाँ पे मशीन होती है छोटी सी, सिर्फ एक इतनी सी ये मशीन है। ये हमने यहाँ पे ये फॉइल ली, इसके अंदर कैप के अंदर डाली, एक इसके अंदर रख के बस खाली एक ये बटन दबाया और कुछ नहीं करना, और ये देखिए मात्र 2 सेकंड में आपकी ये बॉटल पूरी सील हो गई। ये कैसे आया था? ये फॉइल हमने इसके अंदर डाल रखी थी। अच्छा, ये फॉइल इसके अंदर थी, हमने ढक्कन बंद करा और ये एक बटन दबाया। अच्छा, और ये आपकी छोटे छोटे डब्बे हो गए, ठीक है। हाँ जी, बट अगर किसी को बल्क में काम करना हो तो? बल्क के काम के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, बल्क के काम के लिए जैसे किसी कई लोगों को होलसेल काम करना होता है, कट्टे होते हैं, चीनी के कट्टे होते हैं। हाँ जी, होलसेल काम में कई लोगों को 1-2 किलो का काम नहीं करना, 20-25 किलो पैकिंग करनी है, तो उसके लिए सिर्फ एक ये कट्टा लेना होता है। अच्छा। और एक ये कट्टा स्लाइव की मशीन भी होती है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे कट्टा लगाया, ये देखिए इस तरीके से पूरा ये आपकी पूरी पैकिंग हो गई कट्टे की, ये देखिए इस तरीके से पूरा पैक हो जाता है। बाकी आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और
सब्सक्राइब करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सो लास्ट टाइम बाय बोल दे, बाय।